चीन आज 5 भारतीयों की करेगा रिहाई। सुबह 9:30 बजे सभी 5 युवकों को छोड़ेगा चीन। सीमा विवाद में पीएलए ने पिछले हफ्ते बनाया था बंधक। अरुणाचल प्रदेश के 5 युवक सुमसिरी में भारत चीन सीमा के पास से हो गए थे लापता। बाद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उनके चीन के कब्जे में होने की जानकारी दी थी। किरण रिजिजू के मुताबिक चीन की सेना आज अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए सभी 5 युवकों को वाचा इलाके में तय जगह पर छोड़ेगी। एलएसी पर चीन के साथ बढ़ता जा रहा है मौजूदा तनाव। प्रधानमंत्री मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हुई बैठक। एलएसी पर चीन से जारी टकराव के बीच दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत, एनएसए और तीनों सेना प्रमुखों से हालात पर चर्चा की। करीब 2 घंटे तक चली राजनाथ सिंह की बैठक। मॉस्को वार्ता के बाद चीन के फिर पलटी मारने पर बनी रणनीति। मॉस्को में विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद चीन ने फिर बदला पैतरा। ग्लोबल टाइम्स की धमकी, सर्दियों में पैंगोंग त्सो से डटी रहेगी चीनी सेना। कोर कमांडर ग्रुप की मीटिंग में भारत उठाएगा मुद्दा। पैंगोंग इलाके में चीन अचानक बढ़ा रहा है अपने सैनिकों की संख्या। तोपखाना दस्ते और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जमा है चीनी सैनिक। पैंगोंग में फिंगर फोर पर भारत की मजबूत स्थिति। 20,000 फीट की ऊंचाई पर डटे भारतीय जवान, निशाने पर चीन की पोस्ट। चीन से मौजूदा विवाद पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा केंद्र ने ड्रैगन को खदेड़ने की जिम्मेदारी लेने से किया इनकार। महाराष्ट्र में उद्धव राज में बेलखाम हुए शिवसेना के कार्यकर्ता। मुंबई के कांदिवली इलाके में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी तस्वीरें। शिवसेना कार्यकर्ताओं की पिटाई से रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा की आंख पर आई चोट, एफआईआर दर्ज। मदन शर्मा का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे पर बना एक कार्टून फॉरवर्ड किया था। पुलिस ने मदन शर्मा पर हमले के केस में शिवसेना नेता कमलेश कदम समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर पर शिवसेना कार्यकर्ता के हमले का अभिनेत्री कंगना रनौत ने किया विरोध। ट्वीट में लिखा शर्मनाक। महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत को अब ड्रग्स मामले में घेरने की तैयारी की। जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी। पत्र मिलने के बाद ड्रग्स केस में अब मुंबई पुलिस कंगना के खिलाफ तेज कर सकती है अपनी जांच। महाराष्ट्र सरकार कंगना के खिलाफ अध्ययन सुमन के एक पुराने बयान का दे रही हवाला। अध्ययन सुमन ने आज तक से बातचीत में बॉलीवुड पार्टियों में ड्रग्स की मौजूदगी कबूली थी। यह भी कहा था मुझे भी इसे कूल होने की पहचान बताते हुए ऑफर किया गया था लेकिन मैंने मना कर दिया। अध्ययन सुमन ने कहा बॉलीवुड पार्टी में ड्रग्स ऑफर होने के बाद मैंने ऐसी पार्टियों से किनारा किया। कंगना पर दिए अपने बयान को उन्होंने अतीत का हिस्सा बताया। Article came out in 2016. I was talking about 2010, way back 10 years before, right? Yes. And the consumption of drugs has been going on for years, for eternity now. अध्ययन सुमन ने कहा मौजूदा वक्त में कंगना पर मुझे गर्व है, वो सच्चाई के लिए लड़ रही हैं। अध्ययन सुमन ने पिता शेखर सुमन के बिहार चुनाव में टिकट की कोशिशों से किया इनकार। कहा मेरे पिता खुद खो चुके हैं एक बेटा, इसीलिए सुशांत के पिता का दर्द समझकर की मुलाकात। कंगना मामले में दाऊद की एंट्री। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने पूछा क्यों छोड़ा डी गैंग के मुखिया का घर। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो, इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा कोरोना को छोड़कर कंगना पर फोकस कर रही है सरकार। मुंबई में कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने को लेकर बीएमसी पर लगा पक्षपात का आरोप। नोटिस के बाद फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को ज्यादा वक्त देने पर उठे सवाल। पाली हिल्स में कंगना के दफ्तर के ठीक बगल में मनीष मल्होत्रा का बंगला। बीएमसी ने दोनों को एक दिन अवैध दरबार का नोटिस भेजा। कंगना पर कार्रवाई में सिर्फ 24 घंटे, मनीष को मिला 7 दिन का वक्त। दफ्तर के बाद कंगना का खार वाला घर अब बीएमसी के निशाने पर। डेमोलिशन पर स्टे हटाने की अर्जी डाली कंगना। इस विवाद में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी लपेटा। कहा इमारत का शरद पवार से नाता। शरद पवार ने आज तक से बातचीत में खारिज किया कंगना रनौत का आरोप। कहा कंगना जिस इमारत में रहती उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। शरद पवार ने कंगना पर कार्रवाई से उद्धव सरकार को किया बरी। कहा बीएमसी का है ये मामला, सरकार से कोई लेना देना नहीं। कंगना की ट्वीट वार में निशाने पर आई सोनिया गांधी। कहा मेरे साथ हुए बर्ताव पर एक महिला होने के नाते आपको नहीं आया गुस्सा। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल के बयान से शिवसेना की बड़ी टेंशन। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कंगना के लिए मुआवजे की मांग उठाई। कहा नुकसान की भरपाई करे बीएमसी।
कंगना की मां आशा रनौत का शिवसेना पर हमला, आज तक से बातचीत में शिवसेना को बताया कार और डरपोक। देश के कई शहरों में कंगना को लेकर विरोध प्रदर्शन, करनी सेना ने खोला शिवसेना के खिलाफ मोर्चा। एनसीबी की पूछताछ में रिया का सनसनीखेज खुलासा, सुशांत की पार्टी में ड्रग्स लेते थे बॉलीवुड के कई बड़े नाम, सूत्रों के हवाले से खबर। रिया के खुलासे पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग्स रैकेट के बड़े खिलाड़ियों पर दबिश का प्लान। सेशन कोच नहीं मिली रिया चक्रवर्ती को जमानत, 22 सितंबर तक रहना होगा जेल। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की भी जमानत याचिका खारिज, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जैद परिहार को भी नहीं मिली जमानत। ड्रग्स केस में रिया और शौविक की और बड़ी मुसीबत, लॉकडाउन में सुशांत के घर से कुरियर के जरिए रिया के घर भेजा गया था आधा किलो बज। बिहार चुनाव के लिए फुल एक्शन में बीजेपी, दो दिन के दौरे पर पटना पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। नीतीश कुमार से आज जेपी नड्डा की मुलाकात, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। बिहार में बीजेपी की चुनाव समिति के साथ माथापच्ची करेंगे जेपी नड्डा, कोर कमेटी की होगी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे दरभंगा, मखाना अनुसंधान केंद्र में किसानों से होगी मुलाकात। जेपी नड्डा से पहले देवेंद्र फडणवीस भी पटना पहुंचे, पार्टी ने दी है बिहार चुनाव की जिम्मेदारी। बिहार पहुंचकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने थपथपाई नीतीश सरकार की पीठ, कहा लालू राज से काफी बेहतर है सूबे के हालात। देवेंद्र फडणवीस ने पटना में बीजेपी के मीडिया सेंटर का किया उद्घाटन, सुशांत और कंगना के मुद्दे पर उद्धव सरकार पर फिर साधा निशाना। बिहार चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने झोंकी पूरी ताकत, आज दरभंगा पहुंच रहे हैं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी। बिहार चुनाव से पहले योजनाओं की बहार, 10 दिनों में 16,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। चारा घोटाले में लालू यादव की जमानत याचिका पर अब 9 अक्टूबर को होगा फैसला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कपिल सिब्बल ने की है पैरवी। कांग्रेस में सोनिया गांधी ने किया बड़ा बदलाव, चिट्ठी प्रकरण के बाद महासचिव पद से गुलाम नबी आजाद की छुट्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई महासचिव हटाए गए। सोनिया गांधी ने बड़ा उलटफेर करते हुए 9 महासचिव और 17 प्रभारी किए तय, प्रियंका गांधी को पूरे यूपी की जिम्मेदारी मिली। कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला का कद बढ़ा, महासचिव की मिली जिम्मेदारी, साथ ही कर्नाटक के प्रभारी भी बनाए गए। मुकुल वासनिक, हरीश रावत, उमान चांडी, तारिक अनवर, जितेंद्र सिंह, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी महासचिव बनाए गए। कांग्रेस में नए बदलाव में जितिन प्रसाद को भी मिली अहम जिम्मेदारी, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के प्रभारी नियुक्त। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर घूमते नजर आए पीएम मोदी के हमशक्ल नंदन मोदी, बिहार में एनडीए सरकार को फेल बताया। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कोरोना किट की खरीदारी को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, राज्यपाल से की मुलाकात। कानपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत, शाखा प्रमुखों से संग मिले। मध्य प्रदेश के डबरा में 167 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा डबरा में एयर कार्गो हब स्थापित किया जाएगा। गाजियाबाद में पेरेंट एसोसिएशन भी शुरू कर रहा है प्रदर्शन, पुलिस से हुई नोकझोंक, लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की फीस माफी का मुद्दा। देश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 46 लाख के पार पहुंचा, अब तक 76,000 से ज्यादा मरीजों की हो चुकी मौत, 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा नए मामले बढ़े। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए मामले, 10 लाख के पार पहुंची तादाद। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 7,000 नए मामले, 2,99,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना की टेस्ट चाल जारी, 24 घंटे में सामने आए 4,266 केस, कुल आंकड़ा 2,09,000 के पार। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले, 1,93,000 से ज्यादा हुए कुल केस। कानपुर में एक परिवार ने लगाया लव जिहाद का आरोप, एक युवक के साथ घर से भागी लड़की। कानपुर में ऑनलाइन सट्टे का खुलासा, क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते 6 गिरफ्तार, 94 लाख रुपए कैश बरामद। कानपुर में सट्टेबाजी में गिरफ्तार लोगों में विकास दुबे की खजांची जय वाजपेयी के साथी भी शामिल, 27,000 रुपए नेपाली करेंसी बरामद। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक का बर्पा कहर, 3 लोगों की मौत, ट्रक ने पहले एक बाइक सवार को मारी टक्कर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने जानवरों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह को दबोचा, 2 हिरणों की हत्या का। मोशाबी में शराब की दुकान पर एक युवक को कुछ लोगों ने बुरी तरह से पीटा, खुली बोतल नहीं लेने पर हुआ विवाद, केस दर्ज। प्रयागराज में बाहुबलियों पर कसा चुकंदर, अतीक अहमद के बाद अब ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 12 संपत्तियां कुर्की गई। कनौज के एक अस्पताल में जमकर बरपा हंगामा, मेडिकल स्टाफ पर बच्चा बदलने का आरोप। गाजियाबाद के एक रेस्टोरेंट में अवैध तौर पर चल रहे हुक्का बार पर छापा, पुलिस ने 50 से ज्यादा लड़के लड़कियों को पकड़ा। नोएडा में सेक्टर 11 में चोरों ने दिनदहाड़े घर में की चोरी, 3 लैपटॉप मोबाइल कैश लेकर हुए चंपत। अलीगढ़ में दिनदहाड़े एक ज्वेलरी शॉप पर डाका, 40 लाख के गहने और 50,000 कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। ज्वेलरी शॉप में
घुसे बदमाशों ने पहले मुंह पर मास्क लगाया, हाथों को सैनिटाइज किया और इसके बाद निकाले हथियार। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। लखीमपुर खीरी में एक गांव में मगरमच्छ घुसने पर युवकों ने पकड़ा, बाद में मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर की गई उसकी नुमाइश। मगरमच्छ पकड़े जाने की सूचना पर गांव में पहुंची वन विभाग की टीम। गांव वालों ने मगरमच्छ सौंपने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की। बीजापुर में नक्सलियों का टूटा कहर, वन विभाग के एक अफसर की हत्या। प्रयागराज की प्रतिभा मिश्रा बनी डेप्यूटी कलेक्टर। पीसीएस 2018 के नतीजे में प्रतिभा की इस बार 21वीं रैंकिंग। सांबा में भूस्खलन में घायल हुए एसएचओ राजेश, भूस्खलन की चपेट में आई गाड़ी। गोंडा में 6 और 7 साल की दो सगी बहनों से एक युवक ने किया रेप, हुआ फरार। जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से हथियारों के साथ गिरफ्तार दो संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। सूरत में सालों से हीरा कारोबारियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले जयसुख भाई ने की खुदकुशी, उठे सवाल। गुरुग्राम में शताब्दी हो चुके दंपति ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन, 109 साल उम्र बता रहे परिजन। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर 10 लाख का सामान सीज, तस्करी कर लाया गया भारत। गया में नक्सलियों के एक जोनल कमांडर ने किया सरेंडर, 2001 में नक्सली संगठन से जुड़ा था। अंबाला में टाइगर जिंदा है नाम से बने गिरोह का पर्दाफाश, आरटीए विभाग की छापामारी की सूचना, ट्रांसपोर्टर को देता था गिरोह। 21 सितंबर से आगरा में पर्यटकों के लिए फिर से खुलेगा ताजमहल, पिछले 6 महीने से बंद था। इंदौर में सी के स्मॉल की तीसरी मंजिल से कूदी युवती, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रामपुर में प्रेमी जोड़े को मारी गई गोली, लड़की के पिता और भाई पर आरोप। जोधपुर में एसीबी की टीम ने नगर निगम के क्लर्क और दलाल को किया गिरफ्तार, 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचे गए। यूपी के देवरिया में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, तमंचे रिवॉल्वर और बंदूकें बरामद। अलीगढ़ में पुलिस ने 6 जालसाजों को किया गिरफ्तार, पुलिस भर्ती के फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर शख्स, वॉरेन बफे और एलन मस्क को छोड़ा पीछे। अंबानी वजह उसमें हो सकती है सबसे बड़ी डील, रिलायंस के रिटेल कारोबार में अमेजोन को 40% हिस्सेदारी खरीदने का मिला ऑफर। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रही है बाइडेन, 15 सितंबर से अमेरिका में लग जाएगी पाबंदी। खतरे में पड़ी दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की मान्यता, ओलंपिक से जुड़ी संस्था ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका बोर्ड का किया निलंबन। बारूद धमाके के 1 महीने बाद होटल इलाके में लगी आग ने लेबनान को दहशत में डाला, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।